नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश। आज यह वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपका जो गियर है मतलब प्लास्टिक जो लगा होता है उसमें गियर में जो वो बार बार टूट जा रहा है या फिर आप जो है तार बांध दिए हैं उसमें तो फिर भी वो आवाज करता है, आप अगर गियर लगाते हैं तो क्या करें कि आवाज जो है ना आए और आसानी से आपका गियर भी लग जाए, यहाँ भी लग जाए और वहां से भी मतलब लग जाए, मतलब आप गियर लगाए तो मतलब लग ही जाए। अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो में बने रहें। और क्या इसका सलूशन कर सकते हैं आप, मतलब 100% सलूशन हम बता रहे हैं आपको, जरूर बने रहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये देख रहे होंगे तेल वाली कुप्पी है, इसे जो है हम जहाँ जहाँ पर आवाज कर दी है गैर वहाँ वहाँ पर ऑयल डाल देंगे। ये कोई भी कुप्पी आप रख सकते हैं जिसमें पुराना वाला जला वाला ऑयल रख करके आप जहाँ जहाँ गाड़ी आवाज करती है वहाँ वहाँ डाल दीजिए। विशेषकर जहाँ आपका गियर जो है बार बार टूट जाता है, जो प्लास्टिक का लगा होता है, वो उसमें जरूर डालिए ताकि वो न टूटे जल्दी से और अच्छी सर्विस दे। तो गाइस हम चलिए वीडियो में आगे बढ़कर आपको दिखाते हैं तेल जो है कहाँ कहाँ डालना है, कैसे डालना है। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ इसको खोल लेंगे, ये वाले पॉइंट को अपने ये लगा होता है, क्लच है, इसको दबा लें। जो दो पॉइंट दिख रहे हैं ये एक ये वाला और एक जो है आप ये वाला दिख रहा होगा, इन दोनों पूजा है मुझे ऑयल आपको डाल देना है ये, ताकि जो है गियर आप जब भी लगाएं तो जो है गियर जो है आसानी से लग जाए, जल्दी से लग जाए। तो मतलब आप यहां से डाल सकते हैं, आपका कोई वाला भी कोई सा भी कुप्पी हो उसमें से आप डाल दीजिए। ये बटन को जो लगे होते हैं इसको इनको खोल करके डालने के बाद जो है इसको बार बार थोड़ी लगा दीजिए क्लच दबा करके, एक भी लगाइए ताकि कोई सभी गियर लग जाए। ये रिवर्स भी लगा दीजिए ताकि जो गियर है वो लग जाए और वो तेल जो डाले हैं वो अच्छे से चारों तरफ फैल जाए। अब वो ऑयल जो हमने डाला वो चारों तरफ फैल गया, अब आसानी से गियर लग रहा है, अटक नहीं रहा है, नहीं तो बहुत अटक रहा था और जब भी हम लगा रहे थे आवाज़ कर रहा था। तो मतलब यहाँ पर आप ऑयल डाल दीजिए, फिर उसके बाद ये बटन जो है इनको वापस लगा दीजिए। मतलब यहाँ पर आप जरूर ऑयल डाल लें अगर गियर लगाने में, अगर गियर जो है काला हो गया है नहीं लग रहा है तो आप ऐसा ही करिए। फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो चलिए अब हम पीछे जाकर गाड़ी के जो इंजन है बैक साइड है उसको देखते हैं, जो वहां पर भी ऑयल डाल देते हैं ताकि वहां से आवाज जो है आना बंद हो जाए। अब हम चलते हैं पीछे, अब इसको हम खोल लेते हैं। ये बैक साइड हम आ गए हैं, तो ये दिख रहा होगा ये गियर है, ये गियर वाला पॉइंट है, प्लास्टिक लगा होता है ये वाला, ये टूट गया है इसमें, ये जो प्लास्टिक लगा है ये टूट जाने के कारण हमने ये तार बांध दिया है। फिर भी गियर लगाने में आवाज आता है, जल्दी से लग नहीं पाता है, तो हम आपने देखा कि हमने गियर लीवर है वहीं पर हमने ऑयल डाल दिया है, अब यहाँ पर भी डाल देंगे ताकि गियर लगाने में कोई समस्या ना जाए, आसानी से जो है गियर लग जाए। तो हम यहाँ पर हम ऑयल डाल देंगे तो जो गियर है वो आसानी से लगने लग जाए। ये जो प्लास्टिक दिख रहा होगा ये वाला, ये ऐसा ही इस तरफ था लेकिन वो टूट जाने के कारण जीआई तार से बांध दिया है। अब हम ये वाला जो पॉइंट है इसमें भी ऑयल डाल देंगे ताकि ये भी अच्छी अपनी सर्विस दे, जल्दी से ना टूटे। तो आप जो है इसमें ऑयल जो है जरूर डाल दीजिए। तो गियर जो में प्रॉब्लम आ रही है, नहीं चल लग रहा है, लगाने आवाज आ रहा है, तो आप जरूर ऑयल डाल दीजिए ताकि जो गियर है आसानी से लगने लग जाए, आसानी से लग रहा है। ये बहुत बढ़िया मक्खन की तरह लग रहा है। अब हम जो है इसको बंद कर देंगे, ये बिल्कुल बहुत अच्छे से गियर लगने लगा है, आवाज भी नहीं कर रहा है। ये हो गया बंद, अब हम गियर लगाकर देखते हैं कि कैसे लगता है। अब हम क्लच दबा लेंगे, पहले आप जो है वहां से ऑयल डाल दिए, अब क्लच दबा लेंगे क्योंकि खड़ी गाड़ी में जो है गियर नहीं। एक लगाए, दो लगाए, तीन लग गया, चार लग गया, बहुत आसानी से मक्खन की तरह बिल्कुल लग रहा है, चाहे आप कोई भी, बहुत आसानी से मक्खन की तरह बिल्कुल लग रहा है दोस्तों, चाहे आप कोई भी गियर लगाइए। ये देखिए हमने ऑयल डाल दिया, उसके बाद जो है बहुत अच्छे से गियर जो है लग रहा है। तो दोस्तों आपने यह वीडियो में देखा कि क्या वजह होती है जिसके कारण जो है गियर नहीं लगता है, बार बार आवाज आती है, जो प्लास्टिक लगा होता है वो टूट जाता है, तो वो घिस घिस कर जो है तो टूट जाता है प्लास्टिक, फिर उसके बाद आप तार बांध देते हैं फिर भी आवाज आ रहा है, अगर आपका तार नहीं बांधा है प्लास्टिक है फिर भी गियर लगाने में समस्या जा रही है, मतलब गियर जो है कड़ा से लग रहा है या फिर लग भी रहा है तो आवाज कर रहा है। तो आप जो है आपने देखा कि हमने ऑयल डाल दिया है, जला हुआ ऑयल गाड़ी का, तो बहुत आसानी से गियर जो है लगने लगा है। तो आप भी ऐसा करिए, इसके बाद भी ये गियर लीवर जो है बहुत
टाइट है गियर लगाने में, तो फिर आप जो है गियर ऑयल जो है डला सकते हैं, और वो भी सही है। तो ऑयल जो है जहाँ जहाँ डालना चाहिए, जैसे कि हमने दिखाया कि यहाँ पर डालना चाहिए और पीछे डाल, आपको कोई समस्या नहीं आएगी गियर लगाने में, तो आप ऐसा ही करिए। गियर लगाने में समस्या आती है तो आपको आप क्या करें, तो आपने आप जान गए हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और पास वाली बेल के बटन को जरूर ऑन कर लेना, जिससे जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो ठीक गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।